15,000 रुपए के अंदर अगर आप कोई टैबलेट देख रहे हैं तो ओनर की तरफ से एक नया टैबलेट इंडिया में लॉन्च हुआ है, ओनर पैड X9 4GB 128GB। ये आपको मिल जाएगा अमेजोन के ऊपर 15,000 रुपए के अंदर। क्या क्या मिल जाता है इस टैबलेट के अंदर आपको 15,000 में, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस टैबलेट की डिस्प्ले के बारे में। तो इस टैबलेट के अंदर मिलती है 11.5 इंच की फुल HD प्लस वाली TFT LCD डिस्प्ले। हाँ, लेकिन ये डिस्प्ले एक 2K रेजोल्यूशन के साथ आती है, तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाएगी। साथ ही साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी इस टैबलेट में मिल जाता है। लेकिन हाँ, 203 का PPI है, तो डिस्प्ले क्वालिटी एवरेज ही आपको मिलेगी। इसके ऊपर मत जाना कि 2K रेजोल्यूशन क्वालिटी है तो क्वालिटी आपको जबरदस्त मिलेगी, नहीं, नॉर्मल ही मिलेगी। लगभग 500 ग्राम के आसपास इस टैबलेट का वजन है, 400 निट्स की ब्राइटनेस है और TUV सर्टिफिकेशन के साथ ये टैबलेट मिल जाता है, यानी कि आपकी आंखों को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा अगर ज़्यादा देर तक आप इस टैबलेट को घूर कर देखते हैं। तो प्रोसेसर की बात करें इस टैबलेट के अंदर, तो वो मिलता है स्नैपड्रैगन 685 का एक 4G प्रोसेसर। अंतुतु स्कोर इस प्रोसेसर का है लगभग 3,15,000 के आसपास। तो हाँ, परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक मिल जाएगी। 15,000 रुपये है तो 15,000 रुपये की प्राइस के हिसाब से शिकायत मैं यहाँ पर नहीं करूँगा। और साथ ही साथ मैजिक UI 7.1 मिल जाएगा जो कि एंड्रॉइड 13 के साथ इस टैबलेट के अंदर आता है। पीछे की तरफ आपको एक 5 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाएगा। फ्लैश लाइट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, उसके बिना ही आपको काम चलाना होगा। और फ्रंट में भी 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको इस टैबलेट में मिलेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग आप मैक्सिमम 1080p 30fps तक इस टैबलेट से कर पाएंगे। बैटरी की बात करें इस टैबलेट के अंदर, तो वो मिलती है 7250 mAh की बैटरी, लेकिन चार्जर हमें इस टैबलेट के साथ नहीं मिलता है, तो वो आपको अलग से खरीदना होगा। बॉक्स के अंदर सिर्फ एक डाटा केबल मिल जाती है आपको Type-C वाली, और ये टैबलेट सपोर्ट करता है 22.5 वोल्ट की चार्जिंग को। जो सबसे खास बात है इस टैबलेट की वो ये कि इस टैबलेट के अंदर आपको 6 स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है। जी हाँ, आपको 6 स्पीकर आपको इस टैबलेट के अंदर मिलेंगे और एक ही माइक्रोफोन आपको इस टैबलेट के अंदर देखने को मिलेगा, यानी कि साउंड को लेकर आपको इस टैबलेट के अंदर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो भरपूर मात्रा में आपको प्रदान की गई है। लेकिन हाँ, कुछ चीजों की इस टैबलेट के अंदर हमें कमी महसूस होगी, जैसे कि 3.5mm हेडफोन जैक इस टैबलेट के अंदर हमें देखने को नहीं मिलेगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर का आपको कोई भी ऑप्शन इस टैबलेट के अंदर नहीं मिलेगा। कॉलिंग वगैरह भी आप इस टैबलेट के अंदर नहीं कर पाएंगे, ओनली वाईफाई वाला ये वेरिएंट है। लेकिन कंपनी का कहना है कि 25 अगस्त को हम एक सिम वाला वेरिएंट भी लॉन्च करेंगे, तो उसके लिए अभी थोड़ा टाइम है। फिलहाल वाईफाई वाला ही वेरिएंट कंपनी ने लॉन्च किया है। और एक चीज और आप नहीं कर सकते हैं, वो है इस टैबलेट के अंदर स्टोरेज को बढ़ाना। जी हाँ, इसके अंदर SD कार्ड डालने का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ जो 128GB स्टोरेज कंपनी की तरफ से मिलता है, सिर्फ उसी से आपको काम चलाना होगा। लेकिन हाँ, 4GB जो रैम दी गई है इस टैबलेट में, उसके अंदर आपको 3GB रैम एक्सपेंड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि 4GB प्लस 3GB टोटल 7GB का ये टैबलेट हो जाता है। लेकिन याद रखना, वो 3GB आपके 128GB स्टोरेज में से ही कम कर ली जाएगी। फाइनल कंक्लूजन की बात करें दोस्तों, तो 15,000 रुपए के हिसाब से ये टैबलेट इतना बुरा नहीं है। अगर आपका बजट 15,000 रुपए है तो हाँ, आप इस टैबलेट की तरफ जा सकते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कि इस टैबलेट के अंदर आपको कमी महसूस कराएंगे, अदरवाइज ये टैबलेट बुरा नहीं है 15,000 रुपए के हिसाब से।